हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा ये उत्तराखंड राउंड टू रिजल्ट है। हम उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राउंड टू आयुष काउंसलिंग कट ऑफ की इस वीडियो में बातचीत करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो भाई ये पूरी PDF 9 पेजेस की है। यहाँ पर 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि FOA फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद है और ऋषिकुल और गुरुकुल कैंपस है। तो इन पेजेस में हमें नीचे कोई भी इसमें से राउंड टू अलॉटमेंट वाले कॉलेज कॉलम में नहीं दिख रहा है, तो हम उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर हमें दिख रहा है कि इसमें भी, इस वाले पेज में भी हमें इनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसमें भी बात नहीं कर रहे हैं। फिर हमें, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस वाले पेज पे भी हमें कोई भी नाम उन तीनों कॉलेजेस में से जो होना चाहिए था राउंड अलॉटमेंट में वो नज़र नहीं आएगा। देन हमें पहली बार यहाँ पे नज़र आएगा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, कि फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में एक सीट अलॉट हो रखी है SC ओपन कैटेगरी में। तो ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद की SC ओपन कैटेगरी की कट ऑफ हो जाएगी। ये SC ओपन है, ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद है। इसमें उस बच्चे के जो नीट मार्क्स है 192 है, रैंक जो है वो 5,66,407 पर जो है ये वाली कट ऑफ हमारी बंद हुई है FOA की, राइट। इससे ऊपर एक और FOA SC ओपन है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद की बात कर रहे हैं SC ओपन कैटेगरी में, कि कट ऑफ हमें पता चल गई 192 मार्क्स है। इसके बाद अगर हम और ऊपर देखते हैं तो हमें इसमें और कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं नज़र आता है। फिर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में ही EWS कैटेगरी के अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो वो है 5,47,202 मार्क्स पर। ये भी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद की ही जो है सीट अलॉटेड हुई है। तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद की राउंड टू में SC कैटेगरी की कट ऑफ और EWS ओपन कैटेगरी की कट ऑफ आपने देख ली है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं EWS ओपन गुरुकुल कैंपस की कैटेगरी कट ऑफ पर। तो EWS कैंपस गुरुकुल के अंदर 255 मार्क्स एंड 4,71,000 रैंक जो है वो रही है। गुरुकुल में SC ओपन कैटेगरी की अगर बात करते हैं हम तो 3,88,000 और 264 पर ये कट ऑफ रही है। तो गुरुकुल और FOA दोनों की SC ओपन और EWS की कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है। इसके बाद सीधा ऋषिकुल की हमें दिख रही है कि ऋषिकुल के अंदर SC वुमेन कैटेगरी में 3,31,294 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है। ये ऋषिकुल की कट ऑफ थी। फिर गुरुकुल में ही ST ओपन और गुरुकुल में SC वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो गुरुकुल कैंपस ST ओपन 305 मार्क्स पर और गुरुकुल कैंपस SC वुमेन के लिए 306 मार्क्स पर हमें दिख रहा है। गुरुकुल कैंपस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। गुरुकुल EWS ओपन ऑलरेडी नीचे डिस्कस हो रखा है। एक और सीट यहाँ 312 नंबर पे होगी आपको लॉट होते हुए नजर आ रही है। और ऋषिकुल की आपने भी SC वुमेन कैटेगरी की कट ऑफ ही देखी है। इसके ऊपर चलते हैं अगर हम तो पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं, जहाँ पे कई जगह पे तो प्रीवियस ईटी एस सच अलॉट हुई है, कोई नया कॉलेज किसी को अलॉट ही नहीं हुआ है। तो इसमें हमें राउंड टू अलॉटमेंट में कोई भी नया गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हो। इसके बाद हम अपने फर्स्ट पेज पर भी देखेंगे तो गुरुकुल कैंपस EWS ओपन की ही इसने फिर से सीट दिखाई है, जो कि अभी हमने नीचे देखी थी कि सेम कैटेगरी की सीट इसने सबसे पहले हमें दिखाई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गुरुकुल में UR ओपन कैटेगरी जो है वो 418 नंबर तक अलॉट हो गई है, जो कि 1,58,668 मार्क्स तक जाने जाते हुए हमें दिख रही है। अगर हम गुरुकुल कॉलेज की बात करते हैं तो UR ओपन कैटेगरी, उसके बाद फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में UR ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 457 मार्क्स, और ऋषिकुल में अगर हम बात करते हैं UR वुमेन कैटेगरी की तो वो 487 मार्क्स पर रही है।
तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है राउंड टू में क्या क्या रही है, राइट। और ऋषिकुल यूआर ओपन में तो 21 सीट अलॉट हुई है जो कि 539 मार्क्स तक इस बार अलॉट होते हुए दिखी है, जो कि राउंड वन में इस कैंडिडेट ने कोई सीट नहीं ली थी। तो इस तरीके से ये हमारे पास कट ऑफ है उत्तराखंड की। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश राउंड टू की कट ऑफ है, ये काफ़ी आसान है, उन्होंने खुद ही बनाकर दी हुई है कि गवर्नमेंट ऑटोनोमस अस्टांग आयुर्वेदा में बात करते हैं तो क्या नीट मार्क्स और रैंक्स के हिसाब से रही है। तो 447 मार्क्स तक रही है, जिसमें कि रैंक 129,393 पर है, ठीक है। और ये कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस ओपन। ओबीसी ओपन में 448 मार्क्स, एससी ओपन में देखोगे आप 2,92,000 पर, और जो मार्क्स है 317 है, एसटी ओपन में 260 मार्क्स है, राइट। तो ये इंदौर के कॉलेज की बात हो रही है। यूआर फीमेल के अंदर 455 मार्क्स हैं, यूआर ओपन कैटेगरी में 463 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से ये वाली हो गई, ये पहले कॉलेज की यहाँ पर ख़त्म हो गई बात। उसके बाद ग्वालियर के कॉलेज में सेम है, ईडब्ल्यूएस ओपन, ओबीसी फीमेल, ओबीसी ओपन, ये लास्ट मार्क्स वाली रेंज है और ये वाली लास्ट रैंक वाली रेंज है। इसी तरीके से आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपको सबकी यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ऑटोनोमस जबलपुर में अगर हम ओबीसी ओपन कैटेगरी में बात करते हो 405 नंबर पर चला गया। रीवा में ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल 367 मार्क्स पर है, राइट। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में अगर हम बात करते हैं तो 443 मार्क्स तक चला गया। उसके बाद पंडित खुशलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 501 मार्क्स तक चला गया। तो ये ऐसे अपने को सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पर देख लेनी है आयुर्वेदा की। होम्योपैथी का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें यूआर ओपन कैटेगरी 348 मार्क्स तक है। ऐसे ही यूनानी के लिए जो है वो 243 मार्क्स पर है। बाकी फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ तो काफ़ी इजीली एडमिशन हो ही जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।